बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कौन सी लकड़ी थी जिसकी वजह से बहुत से लोग अल्लाह पर ईमान ले आए? सही जवाब है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा था, जो कि जब सांप बना तो वहां मौजूद जादूगर उसे देखकर ईमान ले आए। कौन से नबी अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे? सही जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। कुरान का नाम कुरान किसने रखा? सही जवाब है अल्लाह ताला ने। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के हवारी कौन थे? सही जवाब है हजरत जुबैर बिन आवान। मौत के अलावा और किस वक्त रूह कब्ज की जाती है? सही जवाब है नींद के वक्त। सदका की फजीलत बयान करें। सही जवाब है हजरत सैयदना अली करमुल्ला वजहुल करीम का फरमान है कि जिस दिन तुम अपने दिन का आगाज सदके से करते हो उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं की जाएगी, और अच्छी बात बताना भी सदका है। उरूसुल कुरान किस सूरत को कहा जाता है? सही जवाब है सूरह रहमान को। खाना खाने का सुन्नत तरीका क्या है? सही जवाब है हाथ धोना, दस्तरखान बिछाना, इकट्ठे खाना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, तीन उंगलियों से खाना और खाना खाने में ऐब ना निकालना। क्या आप जानते हैं कि कुरान पाक अरबी में क्यों नाजल हुआ? सही जवाब है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम और आपकी कौम की जुबान अरबी थी। वो कौन सी नेकी है जो दूसरे करें तो सवाब आपको मिलता है? सही जवाब है वो नेकी जो आपने दूसरों को सिखाई हो या उसकी तरगीब दिलाई हो। वो कौन से नबी हैं जिन्हें अल्लाह ने 7 लाख जुबानें सिखाई? सही जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। वो कौन से नबी हैं जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से नहीं हैं?
सही जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम खुद